हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एक मेकअप हॉल। बहुत टाइम से हमने कोई मेकअप की बात भी नहीं करी थी, ना कोई हॉल शूट किया ना कोई वीडियो शूट करी मेकअप रिलेटेड। तो मुझे लगा क्यों ना आज एक हॉल, जो कि मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं वो आप लोग के साथ शेयर किए जाए। हो सकता है कि आपको इनमें से कोई प्रोडक्ट पसंद आ जाए तो आप जाके ले सकते हैं। इसमें स्किन केयर भी है, इसमें लिपस्टिक्स भी है और इसमें काजल भी है, तो काफी हद तक ये जो हॉल है आपको हेल्प करेगा। इसलिए मुझे लगा कि जो प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए हैं और जो मेरी लिप शेड्स हैं वो आप मुझसे रेगुलर बेसिस पे पूछते रहते हैं कि दीदी आपने कौन सी शेड लगा के रखी, आपने कौन सी शेड लगा के रखी है। तो वो जो शेड्स हैं, जो लेटेस्ट शेड मैंने अपने मेकअप में इंक्लूड करी है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस मेकअप हॉल को। तो ये है वो मेकअप प्रोडक्ट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने पर्पल्स मंगवाए हैं, पर्पल में भी कुछ सेल वगैरह भी चल रही है, तो जो भी लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो आप वहां से जाके इससे अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप परचेस कर सकते हैं। और जो सारे आइटम है वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, ये हॉल देखने के बाद आप अग्री भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे फेवरेट काजल से। तो इसकी पैकेजिंग जो है वो मैंने खोल दी है। तो ये है प्लम का नेचर स्टूडियो ऑल डे वेयर कोल काजल। तो ये काजल मेरा फेवरेट लैक्स टाइम, मतलब ये काजल मुझे बहुत पसंद है। तो इस काजल से आप स्मोकी आईज, अगर आपको डार्क काजल चाहिए तो मैंने निकाल के रखा हुआ है क्योंकि मैं इसे यूज कर रही हूँ। इसकी जो पिगमेंटेशन है ना वो बहुत अच्छी है, जेट ब्लैक कलर देता है आपको ये। और साथ में ना अगर आपको जैसे कभी स्मोकी आईज भी करनी है, अपनी आईज पे लगाना है, देन आपको ब्लैक आई शेडो लेना है और उसे ब्लेंड करते जाना है। बहुत ही प्यारा स्मोकी लुक भी क्रिएट होता है इससे। ये काजल मुझे बहुत पसंद है, ये स्मज भी नहीं होता है। और इसे आप लगा के सोइए, आप इसे दो दिन लगा के चलिए, 24 नहीं, मेरे लिए दो दिन भी चल जाता है बिना स्मज हुए। तो ये काजल मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे लगा कि ये काजल मुझे मंगवाना चाहिए। तो ये काजल मैंने पर्पल से मंगवाया है। तो साथ में इसके साथ ये शार्पनर भी आया है। तो ये काजल मैंने पहले भी यूज किया है, तो इसका शार्पनर मेरे पास रखा हुआ है, तो मैंने इसे खोला नहीं, मेरे पास पुराना रखा हुआ है। उसके बाद मैंने ये गुड वाइब्स का एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लिंजिंग फेस मास्क मंगवाया है। ये 100 ग्राम है, ये मैंने पहले भी यूज किया था, बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन को आपको क्लीन करना है तो आपको इसे लगाना है और छोड़ देना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ मैंने पहले भी कैसे मंगवाया था। तो ये है मेरी पुरानी बॉटल और इसे मैंने काफी यूज किया है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट खाली हो गई, ढक्कन गिर गया इसका, तो ये पूरी की पूरी खाली हो गई है। ये देखिए, तो ये मैं पहले यूज कर चुकी हूँ, मुझे काफी पसंद आया था, स्किन काफी क्लियर हो जाती है। चारकोल जो रहता है वो आपकी जो स्किन की डर्ट रहती है उसे खींच लेता है और आपकी स्किन को क्लियर बनाता है। और साथ में अगर आपको किसी भी तरह का स्किन इश्यू है, लाइक आपको एक्ने हो रहे हैं, आपको पिंपल्स हो रहे हैं या आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो उसके लिए भी जो चारकोल फेस मास्क रहता है वो बहुत अच्छा रहता है। तो गुड वाइब्स जो है ना उसमें कोई पैराबिन नहीं है, कोई सल्फेट नहीं है, कोई मिनरल ऑयल नहीं है और साथ में ये क्रुएल्टी फ्री भी है। तो काफी अच्छा ब्रांड है ये, अगर आपको पैराबिन फ्री कुछ नेचुरल में देखना है ना तो आपके लिए बहुत अच्छा। उसके बाद स्किन केयर के लिए ही मैंने एक टी ट्री जेंटल क्लिंजिंग फेस वॉश मंगवाया है। तो ये ओपन करके रखा हुआ है, इसे भी मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ, इसलिए ये आपको ओपन दिख रहा है। साथ पे देखिए, यहाँ पे आपको ये दिख भी रहा है ग्रीन कलर का। तो इसे मैं अभी सुबह शाम यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो स्किन है ना वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रही थी, वो ड्राई हो रही है, साथ में पिंपल्स भी हो रहे थे। तो जो टी ट्री रहता है वो आपके पिंपल के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपके ऑयल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मुझे लगा कि मुझे इसे प्रेफर करना चाहिए क्योंकि इसमें पैराबिन्स भी नहीं है और ये क्रुएल्टी फ्री भी है। तो ये 120 ml का है, इसमें जो प्रिंटेड MRP है वो है 175 rupees। और कुछ ऑफ वगैरह भी चल रहा है जो मैंने आपको बोला है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। ये है टी ट्री फेस वॉश और साथ में इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो लिखे हुए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत जेंटली आपकी स्किन को ये क्लीन करता है क्योंकि मैं इसे यूज कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे स्किन रिलेटेड इश्यू है तो मुझे लगा जब मैं टी ट्री फेस वॉश मंगवा रही हूँ तो मैं टी ट्री फेस जेल क्यों ना मंगवा लूँ साथ में, ताकि एक जो रूटीन होता है ना वो आपका अच्छे से फॉलो हो जाए। तो मैं कई बार रात में इसे यूज करती हूँ, वैसे मैं मैक्सिमम इसे दिन में यूज करती हूँ क्योंकि रात में अभी मेरी स्किन थोड़ी ड्राई भी हो रही है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के सोती हूँ क्योंकि मेरी स्किन में डबल इश्यू चल रहे हैं, इसलिए मैं बोरोलिन लगा रही हूँ कभी रात में कभी इसे लगा रही हूँ। तो ये जो है इसे मैं रेगुलर दिन में यूज कर रही हूँ। तो ये ग्रीन कलर का जेल है, आपको इसे फेस वॉश करके अप्लाई करना है।
अदरवाइज आप इसे और भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसे नाइट टाइम में भी इंक्लूड करना है तो आप एक बहुत अच्छी चीज कर सकते हैं, आप इसे अपने मॉइस्चराइजर के साथ मिला के यूज कर सकते हैं। आप इसे अपने हेयर पे भी यूज कर सकते हैं कि आपके जो हेयर है वो थोड़े से ग्लॉसी हो जाते हैं इसे लगाने के बाद। तो इसे मॉइस्चराइजर में भी आप अपने जो जैसे रेगुलर मॉइस्चराइजर लगा रहे हो आपको स्किन इशू है तो लगा सकते हैं, वरना डायरेक्टली अप्लाई कर लीजिए। बहुत अच्छे से आपकी स्किन में सेटल हो जाता है और थोड़ी देर बाद ना लगता भी नहीं आपने कुछ लगाया हुआ है। तो इस ये जो है ये नॉन ग्रीसी फेस जेल है, मैंने आपको बताया ग्रीसीनेस नहीं है इसमें। इन्फ्यूज विद टी ट्री टू गिव यू ब्राइटर हाइड्रेटेड एंड स्पॉटलेस स्किन, साथ में आपके जो स्पॉट्स है उन्हें भी फेड करेगा। तो ये जो जेल है ये सीरियसली बहुत बेनिफिशियल था, तो मुझे लगा कि ग्रैब इट। तो ये देखिए ये है वो जेल, ये और मैंने एक टी ट्री क्लिनजिंग शीट मास्क भी मंगवाया है। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ज्यादा इरिटेटेड थी हर चीज से और मुझे कितनी जरूरत थी स्किन केयर की, तो मैंने ये भी मंगवाया है एक शीट मास्क। क्योंकि शीट मास्क जो रहते हैं उसे आप लगा के लेट जाइए और जितने भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं ना उसके वो आपकी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो शीट मास्क मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मुझे लगा एक बार ट्राई किया जाए। तो यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छे से मेंशन है, ये बहुत ठंडा है छूने पे, एक्चुअली वैसे विंटर भी आ गई है। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि इसे कैसे यूज करना है। क्लेंस द फेस, रिमूव द शीट मास्क फ्रॉम द सैशे एंड केयरफुली अनफोल्ड इट, क्योंकि टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। अप्लाई द शीट मास्क ऑन फेस कम्प्लीटली, अवॉइड आई कॉन्टेक्ट विद लिप्स एंड लिड्स, एडजस्ट मास्क अलाइन ओवर द फेस, प्रेस द मास्क स्लाइटली विद, हाँ रिमूव द मास्क 15 से 20 मिनट में एंड जेंटली मसाज इनटू स्किन। तो कुछ लोगों का सवाल आता है कि ये लगाने के बाद मास्क, शीट मास्क लगाने के बाद क्या हमें स्किन वॉश करनी चाहिए, तो आप पे डिपेंड करता है। देखिए कभी कभी अगर आपने दिन में लगाया, आपको कहीं जाना है तो ऑब्वियसली आपको इसे वॉश करना पड़ेगा, और अगर आपने रात में लगाया है ना तो मैं क्या करती हूँ, आई लीव इट फॉर फुल नाइट एंड देन वॉश इट इन द मॉर्निंग। तो ये आप कर सकते हैं, तो आप इसे पूरी रात के लिए छोड़ सकते हैं और इसे वॉश कर सकते हैं मॉर्निंग में। तो ये था कुछ स्किन केयर जो मैंने आपको दिखाया, और इसमें मास्क भी इंक्लूडेड है, फेस वॉश भी है, और साथ में आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए इसमें एक जेल भी है। उसके बाद मैंने ये मंगवाया है ट्राई करने के लिए स्टे क्वर्की का बैडेस्ट काजल, क्योंकि मैं काजल ट्राई करती रहती हूँ। कुछ अफोर्डेबल सेक्शन में भी मैंने ट्राई करे हैं, तो अफोर्डेबल में आपको मैं अगर बोलूंगी ना तो मुझे एलेटिन का बहुत पसंद आया और ये मैंने अभी ट्राई करने के लिए मंगवाया है। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, क्योंकि जो प्लम का काजल है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज में जाता है, लाइक वो आपको 350-400 की रेंज में आपको मिलता है। तो एक आपके पास अफोर्डेबल काजल भी होना चाहिए, डेली यूज करने के लिए एक अफोर्डेबल काजल भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो मैंने एक ये मंगवाया है। स्टे क्वर्की की लिपस्टिक मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मेरे को लगा यार काजल भी मंगवा के देखना चाहिए। जो मेरे आने वाले ब्लॉग है मैं वहां पे उसे ट्राई करूंगी इसे, क्योंकि मैंने इसे ट्राई नहीं किया है इसलिए भी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगी। तो मैं इसे अपने आने वाले रीसेंट ब्लॉग्स में से ट्राई करूंगी पूरे पूरे दिन के लिए, एक वेयर टेस्ट हो जाएगा। अगर ये पास कर जाता है तो ऑब्वियसली आप इसे जाके ले सकते हैं। उसके बाद मैंने मस्कारा भी मंगवाया है, ये है पर्पल। तो पर्पल ने अपना भी एक ब्रांड लॉन्च किया है पर्पल ही नाम से। तो ये है पर्पल का मस्कारा, थ्रू थिक एंड थिन वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा। ये देखिए इसकी, ये बहुत ही प्यारा दिखा था। जो ब्रांड नेम पर्पल है वो भी मेंशन है, और ये है मस्कारा का एप्लीकेटर। तो इसे मैं जब ट्राई करूंगी तो मैं आपसे अपना जो रिव्यू है वो जरूर शेयर करूंगी आने वाले ब्लॉग में। उसके बाद मैंने कुछ लिपस्टिक्स मंगवाई हैं, और ये है स्टे क्वर्की की। तो ये जो लिप शेड मैंने लगा के रखी है ये भी स्टे क्वर्की की है, मेरे पास काफी शेड से स्टे क्वर्की। तो लिपस्टिक जो है बहुत अच्छी स्टेइंग पावर है, बट किसी मैट को लगाने से पहले आपको अपने जो लिप है वो बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेने चाहिए, क्योंकि हमेशा कोई भी मैट लिपस्टिक उसमें एक इशू होता है कि जो आपकी लिप्स है वो आपको ड्राई लगने लगते हैं। तो ये है पहली शेड और इसका नाम है नॉटी कॉन्वर्जेशन स्टार्टर, शेड नंबर 4। तो इस बार जो शेड है वो बहुत ही प्यारी आई है और मेरी स्किन टोन के लिए बहुत ही अच्छी है। ये बहुत ही प्यारा पिंक है और ये मेरा फेवरेट पिंक है। ये देखिए ये शेड बहुत ही प्यारा पिंक है, ये शेड नंबर है 04। मुझे ये शेड बहुत पसंद आई और लगाने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है ये, कि अगर आपको दिन विन में यूज करना है तो उसके लिए बहुत ही प्यारा सा शेड है ये पिंक। उसके बाद स्टे क्वर्की की ये लिपस्टिक है पिंक स्मूचिंग। तो ये पिंक स्मूचिन है, स्मूचिंग नहीं लिखा है, स्मूचिंग लिखा है इसमें। तो ये है पिंक स्मूचिंग,
ये भी बहुत ही प्यारा पिंक कलर है, बट ये ब्राइट पिंक है। जो मैंने आपको दिखाया है वो थोड़ा डल पिंक में आएगा, मुझे वो कलर बहुत पसंद है। और ये कलर है, अगर आपको थोड़ा सा ब्राइट पिंक चाहिए, थोड़ा सा ब्राइट पिंक चाहिए, तो ये कलर आपके लिए परफेक्ट है, ये वाला। तो ये है शेड नंबर 22 और ये है शेड नंबर 4, तो ये दोनों पिंक की शेड है। तो अब ये थोड़ा सा सूख भी रही है, थोड़े सूख जाए ना उसके बाद मैं आपको जो एग्जैक्ट शेड है वो दिखाती हूँ। उसके बाद ये बहुत ही प्यारी शेड है, ये मुझे बहुत पसंद आई, ये मेरे ब्लॉग्स में आप लोगों को बहुत पसंद आई। आप लोग मुझसे कह रहे थे, मैंने आप लोगों के सामने एक सस्पेंस बना के रखा कि मैं आपको बताती हूँ बताती हूँ बताती हूँ। तो ये है वो शेड, ये न्यूड में, ये एक थोड़ी सी न्यूड है बट फुली न्यूड भी नहीं, हल्की सी ब्राउन न्यूड कलर मैं इसे बोलूंगी। बहुत ही प्यारा कलर है और ये मैंने लगा के रखा हुआ है अभी। तो जब भी मैं कलर लगाती हूँ, आप लोग पूछते जरूर है, तो मैं बहुत ज्यादा रेड लगाती हूँ, तो जब भी मैं कुछ चेंज करती हूँ ना तो वो आप लोगों को बहुत पसंद आता है। तो जो शेड है, इस शेड का नाम है आई वोक अप लाइक दिस, शेड नंबर 3, शेड नंबर 3 है ये आई वोक अप लाइक दिस। ये कलर बहुत 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 प्यारा है, आई थिंक ये इंडियन स्किन टोन के लिए ये कलर हर स्किन टोन पे सूट हो जाएगा। ये है वो कलर, और लिप्स पे लगाने के बाद ये थोड़ा सा ऐसा आता है, और ये है आई वोक अप लाइक दिस शेड नंबर 3। तो ये है रेड किलिंग इट, मुझे ये ब्रिक रेड लगता है, बहुत ही प्यारा है। इसका ना एक कलर एसेंस में आया करता था, एक कलर ब्रिक रेड करके आता था, वो कलर मुझे बहुत पसंद था, तो ये एग्जैक्ट उससे मैच होता हुआ रेड कलर है। तो ये है 4 शेड SQL की जो मैंने आपको दिखाई। तो ये 4 थी SQL की लिपस्टिक। उसके बाद ये 4 लिपस्टिक है NYB की, तो ये लिप क्रॉन्स है। तो जो लिप क्रॉन्स रहते हैं उनकी स्टेइंग पावर भी अच्छी रहती है, और साथ साथ वो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी करते हैं। अगर आप मैट लिपस्टिक ज्यादा पसंद नहीं करते तो आपके लिए लिप क्रॉन्स अच्छा ऑप्शन है। तो मैं ये 4 शेड में से ये शेड यूज भी कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हुई है। तो ये है शेड नंबर 25 सेक्सी सेकेंड बेस। तो ये जो है ये पिंक कलर है, ये आप देख सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा पिंक है। तो ये 3 पिंक की शेड हो गई, ये तीनों सिमिलर नहीं है, तीनों अलग अलग शेड है। तो ये भी पिंक कलर है, ये है NYB का सेक्सी सेकेंड बेस शेड नंबर 25। उसके बाद फिर आते हैं हम योर एक्स्ट्रा इनिंग शेड नंबर 22। तो ये सारे लिप क्रियॉन्स है, ये थोड़ा सा ना लाइट ब्राउन में ब्राउन है, जो कि आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको डार्क कलर नहीं पसंद है तो आपके लिए बहुत ही प्यारा कलर है। अभी मैं यूज कर रही थी, अभी जो 2 कलर हैं ये मैंने नहीं खोले हैं इसके, तो मैं 2 यूज कर रही थी वो खुले हुए हैं, तो इसको मैं खोलती हूँ और जो शेड है वो आपको दिखाती हूँ। ये है शेड नंबर 24 गेटिंग रेडी फॉर द कैचर। अब ये भी पिंक है बट ये इन सबसे अलग पिंक है। अगर आपको लाइट पिंक या बेबी पिंक बोल सकती हूँ मैं इसे, तो अगर आपको बेबी पिंक कलर पसंद है लिप शेड के लिए, लिपस्टिक के लिए, तो आप ये कलर प्रेफर कर सकते हैं। ये है शेड नंबर 24। ये है शेड नंबर 7, इसका नाम है फर्स्ट बेस स्पेशल। मैंने आपको एक सेक्सी सेकेंड बेस दिखाई थी और ये है फर्स्ट बेस, और ये भी पिंक कलर है। ओ माय गॉड, अब आप देखिए मेरे हाथ में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो 6 है ये 6 शेड पिंक की हैं, और ये सारी की सारी शेड अलग है, तो आप देख सकते हैं। तो ये है फर्स्ट वेव स्पेशल, अगर आपको ये शेड पसंद है, मैं आपको एक अच्छा सा क्लोजअप दे देती हूँ उसका। तो ये है वो शेड, बहुत ही प्रिटी पिंक है। तो ये था एक छोटा सा मेकअप हॉल जिसमें मैंने आपको स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी दिखाए, और कुछ मेकअप रिलेटेड, और मेरा फेवरेट काजल, एक काजल, देन लिप शेड्स। तो यहाँ मैं खत्म करती हूँ इस मेकअप हॉल को, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो ऐड कर दूंगी। तो अब मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत सारे लाइक कर दीजिए प्लीज, लाइक में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे लाइक कर दीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इनमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट और सबसे अच्छी जो लिप शेड है वो कौन सी लगी, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाय।